Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mahtaram Nazreen Sameen, umeed karta hoon ki aap log Allah ki rehmat aur fazl se jahan bhi honge, jis hal mein honge, khair afiyat se honge. To bhai Zil Hajj ka mahina shuru ho gaya hai, ye mubarak mahina aur jo shuru ke 10 din hote hain, ye khaas ahmiyat ke hamil hote hain aur aap sabko inki fazilat ka bhi pata hoga. Main already channel par bata bhi chuka hoon, aap log search karke dekh bhi sakte hain. Lekin main ek khaas amal aapki khidmat mein lekar aaya hoon, rizq ke hawale se aisa khaas amal hai jo main pehle bhi bata chuka hoon. Maine socha लोगों को दोबारा रिमाइंडर के तौर पर बता दूं, वो अमल ऐसा है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आप ये अमल कर लें. बहुत मुख्तसर सा है, मैं आपको लंबे चौड़े वज़ाइफ़ में नहीं डालूंगा, लेकिन ये अमल करें इंशाल्लाह रिस्क खूब पानी की तरह बरसेगा. अब वो अमल क्या है, आपने शुरू के 10 दिनों में करना है क्या है, ये आप देख लें. अल्लाह का नाम है या लतीफ़ू. अब इस या लतीफ़ू का क्या करना है, अपने अव्वल आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें किसी भी एक नमाज के बाद, या अगर नमाज के बाद भी ना करें तो आप किसी भी एक टाइम दिन में आप या लतीफ़ू की एक तस्बीह पढ़ लें 133 मरतबा. या आप स्क्रीन पे देख लें, 133 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ़ के साथ. ये अमल करना शुरू कर दें, पूरे ज़िल हज के महीने में कर लें तो बेस्ट है, या फिर सिर्फ खास शुरू यानी कि शुरू के 10 दिनों में कर लें तो ये भी अच्छा है. यह अमल आप करें इंशाल्लाह तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह करीम अपने फजल रहमत से आपके घर में खूब रिस्क की बरकतें बरसाएंगे और ऐसा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपकी सोच होगी. तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे और दूसरों को भी सदक़े जारिया से इस अमल से ज़रूर आगाह कीजिएगा. तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.